सर्दी पड़ रही है और सर्दी में चोर भी सक्रिय हो गए हैं। इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। अपर पुलिस अधीक्षक ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा खाका तैयार किया है। इस खबर के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस अब इस चोरी की घटनाओं को रोकेगी। बीते 70 दिनों में करीब 40 से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। चोर आए दिन किसी न किसी घर पर दुकान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस की तमाम कवायद के बाद भी कोई चोर हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है। पुलिस अब चोरों की बढ़ती सक्रियता को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्रवार चौकी पुलिस को सघनता के साथ निगरानी व गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल टीमें लगातार रात में गश्त करेंगी। रात्रि में संदिग्धों की तलाशी व चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रात के समय संदिग्ध घूमने वाले लोगों की तलाश में पुलिस के गश्ती वाहन रात भर चेकिंग करेंगे। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात रहेगी। रात को खुद अधिकारी पिकेट का निरीक्षण करते नजर आएंगे। गश्त पर उठ रहे सवाल, रात के समय पुलिस गश्त को लेकर जनता सवाल उठाती रही है। चोरी की घटनाओं के बाद गश्त करने वाली टीमें कहीं नजर नहीं आती हैं। वहीं कई ऐसी चोरियां भी हुई हैं जहां से पुलिस पिकेट कुछ कदमों की दूरी पर थे, लेकिन वारदात की भनक तक पुलिस को नहीं लगती। यही वजह है कि जनता पुलिस पर सुस्ती का आरोप लगाती है। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। वारदातों पर रोकथाम के लिए पुलिस गश्त की जा रही है। संदिग्धों की तलाश व चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।